दोस्तों, क्या आपको पता है कि हॉर्स रेसिंग में जो घोड़ा नंबर वन पोजीशन पर आता है उसे सेकंड रैंक हॉर्स के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, भले ही उनके फिनिशिंग टाइम में कुछ मिलीसेकंड्स का ही फर्क क्यों ना हो। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या पहला घोड़ा दूसरे से 10 गुना ज़्यादा तेज़ है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे उस पहले घोड़े को दूसरे घोड़े से 10 गुना ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं? आई डोंट नो। दोस्तों, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ज़रूर है। उस एक मिलीसेकंड की वजह से ही उन घोड़ों के रिवॉर्ड्स में इतना फर्क नज़र आया, अर्थात छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बड़े बड़े रिजल्ट्स तैयार होते हैं। लेकिन क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, इसलिए हम अक्सर इन छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। दोस्तों, ऑथर डैरन हार्डी अपनी बुक द कंपाउंड इफेक्ट में बताते हैं कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े रिजल्ट्स बनाती हैं, और आज की इस वीडियो में हम इसी कंपाउंड इफेक्ट को जानेंगे। चलिए दोस्तों, हम कंपाउंड इफेक्ट को एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूँ। पहला, मैं आपको आज 1 रुपये दूंगा जिसकी कीमत हर दिन डबल होगी अगले 1 महीने तक, और दूसरी तरफ मैं आपको 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 50 करोड़ दूंगा। तो दोस्तों, इन दोनों में से आप किसको चुनोगे? हो सकता है कि आपको ये एग्जाम्पल पहले से ही मालूम हो। मान लीजिए मैं 50 करोड़ को अपने पास रख लेता हूँ और पहला ऑप्शन आपको दे देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब दोनों के पैसों को कंपेयर करते हैं। पहले दिन आपके पास 1 रुपये है और मेरे पास 50 करोड़। पांचवे दिन आपके पैसे डबल होते होते 16 रुपये हो जाएंगे और मेरे पास अभी भी 50 करोड़ रुपये हैं। दसवें दिन आपके पास है 512 रुपये और मेरे पास है 50 करोड़। यहाँ तक कि 20वें दिन भी आपके पास 5 लाख रुपये होंगे, जो 50 करोड़ के सामने आपको बहुत कम लगेंगे। लेकिन जब महीने का 31वां दिन आता है, तब वही 1 रुपया 107 करोड़ रुपये बन जाते हैं। दोस्तों, पहले दिन आपको 1 रुपये कम लगा, पांचवे दिन, दसवें दिन, यहाँ तक कि 20वें दिन भी आपको 5 लाख रुपये कम लगे, लेकिन देखते ही देखते वही 1 रुपया 107 करोड़ रुपये बन गए। और ये सब हो पाया सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इफेक्ट की वजह से। दोस्तों, जब भी हम किसी नए काम को शुरू करते हैं तो हम पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, इसलिए हमें कोई आउटकम नज़र नहीं आता और हम उस काम को छोड़ देते हैं। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को अगर पहली बार में ही कैंसर हो जाता तो वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में धूम्रपान ना करता, लेकिन क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, इसलिए वो इंसान धूम्रपान को छोड़ता नहीं और बाद में उसका रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। मीठी चीज़ को पहली बार खाकर ही अगर डायबिटीज़ हो जाता तो वो इंसान फिर कभी भी मीठी चीज़ों को नहीं खाता, लेकिन क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, इसलिए वो इंसान लगातार मीठी चीज़ों को खाता जाता है और बाद में उसका रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। अगर एक दिन एक्सरसाइज करके लोगों के सिक्स पैक एब्स बन जाते तो आज दुनिया का हर इंसान एक्सरसाइज करता, लेकिन क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, इसलिए लोग एक्सरसाइज करते नहीं और बाद में उसका रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंड इफेक्ट एक ऐसा अजूबा है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आपको केवल इसे सही तरीके से अपनाना होगा। अक्सर जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हम कुछ दिनों बाद ही उसे छोड़ देते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी प्रोग्रामिंग। हमारा ब्रेन चीज़ों को बैलेंस्ड रखने के लिए बना है, और अचानक किए गए रूटीन के बदलाव से हमारा ब्रेन हमें रोकने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए किसी नए हैबिट को आपको ग्रेजुअली अपने रूटीन में शामिल करना होगा। अगर आप डिसाइड करते हो कि आप हर दिन एक्सरसाइज करोगे, तो पहले ही दिन 1 या 2 घंटे एक्सरसाइज मत कीजिए। अगर आप ऐसा करोगे तो पूरे चांसेस हैं कि आप एक्सरसाइज करना छोड़ दोगे। इससे बेहतर पहले दिन आप केवल 5 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, अगले दिन 2 मिनट बढ़ाइए और 7 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, और ऐसा करते करते आप अपने वर्कआउट टाइम को बढ़ाइए। 1 महीने में ही आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे होंगे। इसके अलावा आपको अपने फोकस और रिदम को हमेशा मेंटेन रखना होगा। चलिए दोस्तों, हम फोकस और रिदम की बात करते हैं। नंबर 1, फोकस। अगर कोई एरोप्लेन श्रीनगर से कन्याकुमारी के लिए निकलता है तो उसे अपने गोल पर फोकस्ड रहकर उसी दिशा में जाना होगा।
अगर वो एरोप्लेन शुरुआत में केवल 1 डिग्री से भी मुड़ जाएगा तो वो कन्याकुमारी कभी नहीं पहुंच पाएगा। भले ही 1 डिग्री बहुत कम हो, लेकिन क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, इसलिए ध्यान न देने पर कंपाउंड इफेक्ट की वजह से वो प्लेन समंदर में चला जाएगा। नंबर 2, रिदम। दोस्तों, आपको न्यूटन का पहला नियम तो ज़रूर मालूम होगा, एवरी ऑब्जेक्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट और इन इट्स स्टेट ऑफ लीनियर मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। किसी भी रॉकेट को अपनी उड़ान भरने के लिए शुरुआत में सबसे ज़्यादा फ्यूल और एनर्जी लगती है, और एक बार अगर वो अपनी रिदम में आ जाए तो वो पूरी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। बिल्कुल ऐसे ही किसी नए हैबिट को बिल्ड करते वक्त आपको शुरुआत में सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी, लेकिन अगर आप अपनी रिदम को बनाने में सफल हुए तो आप भी पूरी तेज़ी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। दोस्तों, जब भी आप किसी हैंडपम्प को यूज़ करते हो तो पहली बार में पानी कभी नहीं निकलता। आपको लगातार पंप करना होगा और वो पानी धीरे धीरे ऊपर आता है और आखिरकार आपको पानी मिलता है। अब मान लीजिए कि आपने बीच में ही पंप करना छोड़ दिया तो वो पानी फिर से ग्राउंड लेवल पर चला जाएगा और फिर से पानी निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप किसी काम को शुरू करते हो तो उसे करते रहिए। अगर रिजल्ट ना मिलने से आप उस काम को छोड़ दोगे तो आप फिर से ज़ीरो लेवल पर गिर जाओगे, और उस ज़ीरो लेवल से आगे बढ़ने के लिए आपको फिर से बहुत मेहनत करनी होगी। दोस्तों, अगर आप कंपाउंड इफेक्ट का एक और एग्जांपल जानना चाहेंगे तो मैं कहूँगा कैरी मिनाटी इसका बेस्ट एग्जांपल है। कैरी मिनाटी ने अपने हर वीडियो में कुछ अलग करने की कोशिश की और पहले 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को हिट किया, और उनकी सारी मेहनत एक वीडियो में ही रंग लाई, और कुछ महीनों में ही वो 10 मिलियन से 20 मिलियन पर पहुंच गए। अर्थात पहले 10 मिलियन करने के लिए उन्हें कुछ साल लग गए और अगले 10 मिलियन पूरे करने के लिए उन्हें कुछ महीने लग गए। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए, शुरुआती छोटे रिजल्ट से आपको कभी डीमोटिवेट नहीं होना है और लगातार अपने काम को जारी रखना है। कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से आप किसी दिन अचानक सफल बन जाओगे और लोगों को लगेगा कि आप एक ओवरनाइट सक्सेस हो। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिए, 100 जगहों पर 1 फुट गड्ढा खोदने से आपको कभी पानी नहीं मिलता, लेकिन 1 जगह पर 100 फीट गड्ढा खोदने से आपको अवश्य ही पानी मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप कंपाउंड इफेक्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।